what is up guys, you are watching History Vlogs. तो कैसे हो आप लोग? I hope you all are doing great. तो welcome to another vlog. और आज का vlog हमारा ये होने वाला है कि हम लोग camp करने वाले हैं. तो camping के लिए हम लोगों ने बहुत सी जगह सोच रखी थी, लेकिन finally हम लोगों ने decide किया है कि हम लोग जाने वाले हैं to the most famous place, that is the butterfly beach. वहाँ पे हम लोग camp करने वाले हैं और सुबह उठ के हम लोग वहाँ पे नहा के हम लोग वापस घर आने वाले हैं. सो दिस इज़ द प्लान. तो हम लोग वहाँ पे जाके आप लोगों को व्यू दिखाएंगे एंड लेट्स सी हाउ द व्लॉग गोज. और लगभग तीन टेंट हम लोग वहाँ पे सेटअप करने वाले हैं और बहुत लोग मेरे साथ जाने वाले हैं. सो लेट्स सी एंड इट इज़ 16 मार्च 2024. लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है कैंपिंग के लिए तो वो सब मैंने पैक कर लिया है और मैं मेरे दोस्त विशाल के लिए रुका हुआ हूँ. जैसे वो यहाँ पे आता है तो हम लोग साथ में निकलने वाले हैं. टेंट विशाल लाने वाला है तो विशाल का वेट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं. ऑलराइट, तो विशाल आ चुका है. सो दिस इज विशाल. और हम लोग बाइक लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ऑफ रोड है, वरना हम लोग फोर व्हीलर भी लेके जा सकते थे. तो हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं. सो लेट्स गो. Alright, so right now we are at Baldi और हम लोग कुछ और दोस्तों के लिए रुके हुए हैं. जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं तो हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और ये सब हमारा सामान है. सो दिस आर द चेयर्स और यहाँ पे कुछ टेंट का सामान. सो वी हैव मोहित ओवर हियर और मोहित की यहाँ पे एक्सपर्ट्स है, वो मैं चलाने वाला हूँ. बाकी के जो भी है हमें बीच पे मिलने वाला है तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं. I've been pacing my paces, no kamikaze. I've been making my makers say what I'm offering. We've all had behaviors and they've been troubling. Smoke way too much, I keep coughing. I pull out all the stops to make a profit. Alright, so हम लोग यहाँ पे रुके हैं. यहाँ पे एक गणेश जी का मंदिर है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. ये जो गणेश जी की मूर्ति है तो ये पीछे एक पेड़ है और उस पर गणेश जी की ऐसी छवि दिखाई दे रही है. हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है. सो दिस इज लेपर्ड वैली. यहाँ से पूरा ऑफ रोड रहेगा 1.5 किलोमीटर. तो चलते हैं आगे. Peace, fill me up like a Reese's. When I'm with you, I'm holier than Jesus. Religious freedom, paid leave to get on my knees and pray to you if you're cool with cosplay and teaching. I don't mean to come across facetious, but it's all a joke to me and it should be to all of these. Sometimes I think it's the only way to stay decent. When the wind blowing that way, we ought to pray the breezes. Alright, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम लोगों ने यहाँ पे बाइक अपनी पार्क की है. यहाँ पे पूरी पार्किंग है और यहाँ पे एंट्रेंस भी है तो वहाँ पे आप लोगों को 100 रुपीज़ देना पड़ेगा. तो यहाँ तक बाइक आ सकती है और फोर व्हीलर भी आ सकती है, लेकिन शायद से फोर व्हीलर डाउटफुल है और उन लोग की पर्सनल यहाँ पे सफारी भी राइड्स भी रहती है तो उनकी फीस मुझे पता नहीं है. लेकिन वो आप लोगों को 6-7 लोग ऐसी जीप में सफारी करते हैं. अभी 38 टोटल, तुम्हारा 14, तुम्हारे यहाँ से लगभग 5 मिनट चलना पड़ेगा. तो हम लोग ये सब सामान लेके यहाँ से चल के नीचे जाएंगे और वहाँ पे हम लोगों को दिखाता हूँ कैसी है बीच. तो चलते हैं. तो हम लोग बीच पे यहाँ पे ओके हो गए होल्डर एंड वायर सांगे देखे तो सुन. तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं बीच पे. तो मैं आप लोगों को बीच दिखाता हूँ. दिस इज द बीच. बीच ज़्यादा बड़ी नहीं है, इट्स अ स्मॉल बीच. और यहाँ पे बहुत भीड़ है आज. चेक दिस आउट.
सब कुछ इस तरह से है ये बीच। तो हमने सोचा था पहले कैंप सेटअप करेंगे, लेकिन अभी हम लोग वहाँ पे एक पीक है ऊपर जो कि बहुत फेमस है, तो वहाँ पे जाके पहले सनसेट एंजॉय करेंगे और उसके बाद नीचे आके टेंट सेटअप करेंगे और हमारे और भी लोग आने वाले हैं। तब तक सूरज ढल चुका होगा और हम लोग सेटअप करने के लिए नीचे आएंगे। यूजली यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है लेकिन आज थोड़ा कम है। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी रहता है। हम लोग यहाँ पे सही टाइम पे पहुंचे हैं क्योंकि थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है, तो हम लोग सोच रहे हैं जब तक सनसेट ना हो जाए तो यहाँ पे ऊपर बैठ के थोड़ा टाइम पास करेंगे। तो दिस इज द बैक साइड ऑफ द बीच और हमें यहाँ पे चढ़ना है। और तो हमारे पास यहाँ पे दो चेयर्स है और ये व्यू, तो हम लोग ये दो चेयर यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। 300 कभी किसी ने ये नहीं किया है, दो चेयर और बटरफ्लाई बीच का ये व्यू पॉइंट इन 3, 2, 1। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। सोच रहे थे पहले बीच पे हम लोग कैंप करेंगे लेकिन हमें यहाँ पे कुछ फ्लैट ग्राउंड दिखा है, तो सैंड में कैंप करने से बेटर हम लोग ये प्लेस लगी है। तो देखते हैं वहाँ पे जाके, और पहले हम लोग सनसेट से पहले वहाँ पे चले जाते हैं। सन ऑलमोस्ट सेट होने वाला है तो ये हम लोगों को इस रास्ते से जाना पड़ेगा वहाँ से वहाँ तक। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो संभाल के आना। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इसलिए मुझे यहाँ की आदत है। ब्रो इरवंटो, तो कुछ इस तरह है यहाँ का व्यू। दिस इज द बीच, बहुत छोटी बीच है और यहाँ पे बोट राइड्स वगैरह वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी रहती है, तो आप लोग यहाँ पे वाटर स्पोर्ट भी कर सकते हैं। शायद से यहाँ पे जेट स्की भी रहेगा। चेक आउट द सनसेट। लगभग यहाँ पे सनसेट हो गया है और हम लोग यहाँ पे टेंट सेट करने के लिए आ गए हैं नीचे। तो मैंने कभी भी टेंट सेटअप नहीं किया है, तो विशाल से मैं सीखूंगा आज और विशाल मेरा टेंट बेडी रहने वाला है आज, तो जल्दी से सेटअप करते हैं और आप लोग की सिनेमैटिक्स देखो।
ऑलराइट, सो इस तरह से बन गए हमारे दो टेंट. दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड टेंट. इस तरह से हमारा टेंट है अंदर. और यहाँ पे आराम से दो तीन लोग आ सकते हैं टेंट में. और मैं आप लोगों को टेंट में बैठकर आगे का व्यू दिखाने वाला हूँ. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दैट आई हैव गॉन टिल डेट. हमारा सेटअप हो गया है कंप्लीट. सो ऊपर से कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है सेटअप. ये दोनों हमारे टेंट है और वहाँ पे सनसेट हो चुका है और आज की रात हम लोग यहाँ पे गुजारने वाले हैं. और तो हमारा जो टेंट का सेटअप है हो चुका है. बॉनफायर डालने के लिए हम लोग कुछ लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जा रहे हैं. और यहाँ पे पूरा सनसेट हो चुका है और थोड़ी देर में यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाएगा. ब्रो, तो लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते हम लोग ऊपर आ चुके थे जहाँ पे हम लोगों ने बाइक रखी थी. और वहाँ जो स्टॉल्स थे वहाँ से हम लोगों ने ये ले लिया है. फ्राइड राइस और ब्रेड ऑमलेट. और तो हम लोग यहाँ पे आग जला रहे हैं बॉनफायर के लिए. और बाकी सब सेटअप हो चुका है. सिर्फ हम लोग रुके हैं हमारे बाकी जो मेंबर्स हैं उनके आने की देर है बस. और उसके बाद हम लोग डिनर करने वाले हैं. Life is a winding road. No telling where it goes. All right, it's 1 AM और मेरी मोबाइल बैटरी थोड़ी लो थी तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाया. और हम लोग डिनर करके सो चुके थे. तो मिलते हैं सुबह. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Alright, so it's 7 o'clock in the morning and we have Anurag over here and we have drone, so we are trying to take some drone shots. So check out our drone shots.
Alright, so we are done with the vlog. It's almost about summer, so बहुत सारे vlogs आने वाले हैं. So please do like, share, subscribe, and comment on the video. Also press the bell icon so that you are notified of the new vlogs. Till then, peace out. Live your life like a king.